उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुरादाबाद में भाजपा के लिए वोट मांगे। गोरट्टे चौराहे से इम्पीरियल तक वह पैदल घूमे। इस बीच उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई, सड़क पर फूलों की चादर बिछ गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ भाजपा नगर सीट के पार्टी के प्रत्याशी रितेश गुप्ता और मुरादाबाद ग्रामीण सीट के पार्टी प्रत्याशी के मिश्रा भी साथ थे। दिनेश शर्मा ने पार्टी के पत्रक बांटे। उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए दुकानदारों राहगीरों से भाजपा के कमल निशान की याद दिलाई और वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ही सबका साथ से सबका विकास हो रहा है, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार में माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का हाथ पकड़ा से इंपीरियल तक जनसंपर्क का कार्यक्रम था। बहुत हर्षोल्लास के साथ मुरादाबाद के व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। हाथ किसका भाई? और मुरादाबाद के व्यापारियों ने प्रण लिया है कि अब की बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में। कैसा उत्साह देखा गया व्यापारियों में और आपको क्या लगता है कि एक बार फिर विधायक बन के लोगों के बीच? आप लोगों ने भी देखा, आप लोग लगातार साथ चल रहे हैं, तो भव्य स्वागत, ऐतिहासिक स्वागत यहाँ के व्यापारियों द्वारा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का किया गया है। बस निश्चित रूप से 2022 में प्रेसिडेंट भवन।